पीएम मोदी ने इजरायली समक्ष नेतन्याहू से की बात, भारत आने का दिया न्योता। जोशीमठ कस्बे में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, 50 और घरों में दरारें, जिन होटलों में ठहराए वहां भी दरारें हैं। अमरोहा में स्वामी विवेकानंद की जयंती, जयंती पर यंग इंडिया रेस का हुआ आयोजन। हमीरपुर में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी भीषण आग, 3 लोगों की जिंदा जलकर हुई मौत। वनडे रैंकिंग के 6th स्थान पर आए कोहली, सूर्या T20 में 908 रेटिंग पॉइंट हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। लखनऊ में करड़ पखवाड़ा एवं खसरा रुबेला उन्मूलन कार्यशाला का आयोजन किया गया। बता दें कि यह कार्यक्रम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग यूनिसेफ के सहयोग में सम्पन्न किया गया है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री बृजेश पाठक, महानिदेशक परिवार कल्याण रेणु श्रीवास्तव वर्मा, चीफ यूनिसेफ फील्ड ऑफिस जकारी एडम उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान बृजेश पाठक ने कहा कि टीकाकरण को लेकर आज विशेष अभियान चलाया गया है। बता दें कि यह अभियान 15 जनवरी से लेकर 1 सप्ताह तक चलाया जाएगा। आज टीकाकरण के लिए विशेष अभियान का प्रारंभ इसलिए किया गया कि कोविड की वजह से जो हमारे जच्चा बच्चा थे, छोटे बच्चे थे, उनको संपूर्ण टीकाकरण की गति प्रभावित हुई थी। कोविड के कारण भी हमने 70% से अधिक, लगभग 70% के हमने टीकाकरण किया था, लेकिन कोई भी बच्चा बगैर टीकाकरण के रह न जाए, इसलिए हमने विशेष अभियान का शुरुआत किया है जो 15 जनवरी से प्रारंभ होकर के 1 सप्ताह तक चलेगा। और हर स्थिति में जो बच्चे को आवश्यक टीकाकरण दिया जाना है, हर बच्चे को हम चिन्हित करेंगे, फोकस ट्रेसिंग करा करके एक एक बच्चे को हम जो अनुमन्य टीके हैं, आवश्यक टीके हैं उनके जीवन के लिए। Thank you, colleagues. Good morning. I really appreciate, on behalf of UNICEF and the entire UN family, I really appreciate this meeting initiated by the government today. And I'm also very happy to note that you, media people, you are really paying attention to this meeting, because we cannot achieve definitely without media as partners in terms of communication with population on the very important thematic. लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग स्टेशन शुरू हो गई है। बता दें कि यहां एक दिन में 30 टू व्हीलर और 4 व्हीलर चार्ज हो सकेंगे, तो वहीं टर्मिनल 2 के पास मौजूद पार्किंग में चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किया गया है, जिसमें चार्जिंग के लिए 21 रुपये प्रति यूनिट बिजली के साथ 18% GST भी देनी होगी। रायबरेली में गौशाला को लेकर एक बार फिर से शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आ रही है। लालगंज तहसील के अंतर्गत सिंघौरतारा की गौशाला के मैदान में करीब सैकड़ों गोवंश के शव मिले हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें से गायों के शव को कुत्ते नोच रहे हैं। जानकारी के मुताबिक गौशाला प्रबंधन ने गायों की मौत के बाद उनके शव को खुले में फेंक दिया था, जो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। हमीरपुर में एक घर में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जिसमें घर में सो रही एक महिला और उसकी 2 मासूम बेटियों को बेटियां जिंदा जलकर मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि घर आग से जलकर रूम हीटर के शॉर्ट सर्किट से लगी है, तो वहीं फायर ब्रिगेड और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 3 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लगभग 10:30 बजे एक यहाँ पर गांव के एक घर में आग लग गई, और उस आग लगने से यहाँ पर कुछ लोगों को वो आग में जल गए हैं, तो मौके पे आके जांच की गई है और थाना पुलिस और साथ ही फील्ड यूनिट की टीम, सभी लोग मौके पर उपस्थित हैं, मैं स्वयं उपस्थित हूँ। तो यहाँ जांच में ये प्रकाश में आया है कि एक कमरे में
एक महिला जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष है, जिनका नाम अनीता पत्नी राजूपाल है। गाजियाबाद में लोनी में स्वामी विवेकानंद जयंती पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा यंग इंडिया रन प्रतियोगिता का कार्यक्रम किया गया, जिसमें कई युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में प्रथम विजेता को 11,000 से पुरस्कृत भी किया गया, तो वहीं इस प्रतियोगिता में लोनी के छात्र ने क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। और मैं अपनी युवा की टीम को, अपने युवा मोर्चे के जिला अध्यक्ष को, उनकी पूरी समस्त टीम को, महामंत्रीगण, उपाध्यक्ष, सभी को इस सफल कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ऐसा सुंदर और व्यवस्थित कार्यक्रम माननीय विधायक जी की उपस्थिति में हुआ। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं, श्री संगठन के लिए माननीय विधायक जी ने भी आज समय दिया, मैं उनका पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को यह संदेश देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं के लिए बहुत कुछ करने वाली बात बनाई जा रही है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता युवाओं के साथ मिलकर के दौड़ का आयोजन हर विधानसभा में किया गया है, तो युवा मोर्चा के हमारे जिला अध्यक्ष भाई हिमांशु शर्मा जी ने इस तरह से हजारों युवाओं को सुबह 7 बजे से इतनी सर्दी में आकर के और बहुत शानदार दौड़ का आयोजन किया और उनको फिर इनाम देने का काम किया गया है पार्टी के द्वारा। ये अद्भुत है और इससे पता चलता है कि आज नौजवान भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा है। मैं उनको बधाई देता हूँ, उन्होंने बहुत शानदार कार्यक्रम किया है और लगातार उनके कार्यक्रम शानदार रहे हैं। आप अब्बल आए हैं? हाँ जी, बस अब्बल आने के लिए आगे और मेहनत करो और ऐसे आगे आने के लिए और कदम, ये 5 किलोमीटर के। अच्छा, आने वाली युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस ऐसे ही सब मेहनत करते रहो और आगे बढ़ो। फरीदाबाद में माइनिंग डिपार्टमेंट में ड्राइवर के पद पर काम करने वाला कर्मचारी अधिकारी बनके ट्रकों को रोककर वसूली करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया, तो वहीं उल्टे सीनाजोरी करने भी लगा और उसकी हकीकत कैमरे में कैद करने वाले ट्रांसपोर्टर को ही धमकाने लगा। तो वहीं रंगे हाथ पकड़ने वाले ट्रांसपोर्ट ने न केवल ड्राइवर को पकड़कर माइनिंग के अधिकारियों के हवाले किया, बल्कि अवैध रूप से वसूली करने वाले ड्राइवर के खिलाफ पुलिस में लिखित शिकायत भी दी है। वहीं पीड़ित की शिकायत पर पुलिस जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कह रही है। मेरा नाम अजीत है जी। अजीत जी, क्या हुआ है? ये मेरे साथ ये क्या, ये सिविल में गाड़ी में चेकिंग कर रहे थे जी, इन्होंने मेरी गाड़ी, पर्सनल गाड़ी को रोका है, जो गाड़ी नंबर था 4-37-70-76, जिसका उन्होंने बिल भी चेक किया। उसके बाद इन्होंने एक 60-87 गाड़ी को हाथ दिया है, 60-87 गाड़ी को हाथ दिया है। हाथ देने के बावजूद उन्होंने फिर 60-87 गाड़ी से रोके, इन्होंने मेरे को बोला है, इन्होंने 10,000 रुपये उस गाड़ी से मेरे से लिए हैं। आपने दिए? मैंने दिए। क्यों दिए? 10,000 रुपये की अपनी गाड़ी को ओवरलोड के कारण धमकी देते हैं और मेरा जिसके दोनों गाड़ियों का उनका बिल है, जो 60-87 भी और जो 70-78 भी, उसके बावजूद भी मेरे से कहते हैं ओवर। सर, आपके डिपार्टमेंट के कर्मचारी पर आरोप लगे हैं कि वो बिना तो क्या नाम है सरकारी गाड़ी के पर्सनल गाड़ी में चेकिंग कर रहा था ट्रकों की, और बाकायदा उसने 10,000 रुपये भी लिए हैं और वो दबाव बना था कि 50,000 मंथली दे वो ट्रांसपोर्टर। जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं, उनकी कोई भी सच्चाई नहीं है, ठीक है। उस ट्रांसपोर्टर जिसने आरोप लगाए हैं उसकी गाड़ी हमारे पास बंद है, उसने जलीसी में ही आरोप लगाए हैं, कोई भी इसमें सच्चाई नहीं है इस बारे में। सर, जिस शख्स पे वो आरोप लगा रहे हैं, जिस अधिकारी पे आरोप लगा रहे हैं, वो किस पद पर तैनात है और क्या नाम है उनका? हमारे वो किस पे लगाए बताओ, पहले नाम आप बताओ ना सर। जो लग रहा है व्यक्ति जो है, अमरोहा में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाए जा रहे युवा दिवस के अंतर्गत भाजपा युवा मोर्चा ने 5 किलोमीटर लंबी यंग इंडिया रेस का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर विधान परिषद सदस्य भाजपा के वरिष्ठ नेता हरि सिंह ढिल्लो पहुंचे। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद मिनी स्टेडियम में रेस में शामिल होने वाले युवाओं को सम्मानित किया गया। बता दें कि अमरोहा में स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई है। जयंती पर यंग इंडिया रेस का आयोजन हुआ है, जिसमें भाजपा नेता ढिल्लो वहां पर शामिल हुए थे। आपको बता दें कि 5 किलोमीटर की रेस रखी गई थी, जिसमें रेस में फर्स्ट आने वाले युवा को सम्मानित किया गया है।
खबर अमरोहा से है जहां स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई। जयंती पर यंग इंडिया रेस का आयोजन हुआ था। कार्यक्रम में फर्स्ट आने वाले युवा को सम्मानित किया गया है। संभल में पुलिस कस्टडी से फरार आरोपी के मामले में दो पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले में पुलिस ने हरकत में आकर दो घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाना धनारी के गांव का आरोपी रहने वाला था। इस आरोपी को पुलिस ने बहजोई थाने में गिरफ्तार किया था। पेशी करके लौट रहा आरोपी चकमा देकर फरार हो गया था। चंदौसी न्यायालय में इसको रिमांड हेतु पेश किया गया। रिमांड के पश्चात मुरादाबाद जेल ले जाते समय मुरादाबाद जिले के बिलारी थाने के अंतर्गत रोड पर से ये जो इसके सुरक्षाकर्मी जो इसको ले जा रहे थे उनको धक्का देकर मौके से फरार हो गया। थाना बिलारी में इसके विरुद्ध धारा 224 के अंतर्गत मुकदमा कारित किया गया। पुलिस की टीम जिसमें संभल पुलिस व मुरादाबाद पुलिस दोनों के द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए दो घंटे के अंदर इसको खेतों में से पकड़ लिया गया है। इसको धारा 224 के मुकदमे के अंतर्गत दाखिल करके अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।